संगीतमयी वाइब्रेशंस में उतर करके तो मेडिटेशन का आनंद उठाना, मेडिटेशन में डुबकी लगाना, अंतस ध्यान की प्रक्रिया में उतरते चले जाना। जो चेतना 24 घंटे बाहर की ओर बह रही है, इसको भीतर की ओर थोड़ी देर के लिए बहा देना। इसको अपने स्रोत चेतनमय शिव नेत्र में उड़ेल देना और जागे जागे देखते रहना। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही भीतर जो दिखाई दे रहा है उसको देखते रहना। और गहरा और भीतर अपने जागे की पीरियड को बढ़ाते चले जाना, जागरूक अवस्था बढ़ती चली जाए, तेरा जागा बढ़ता चला जाए। होश पूर्ण रहना मन बुद्धि के खेल को देखने के लिए, और जैसे ही हृदय का महान आलम जगे, भाव दशा उतरती चली आए, उसमें पूर्णतया डूब जाना। दोनों स्थिति में सामंजस्य अपने आप आ जाता है। तुम ध्यान पूर्ण रहना, हृदय द्वार छलक उठेगा। तुम प्रेम पूर्ण रहना, प्यास से ओतप्रोत रहना, ध्यान की पंखुड़ियां खिल उठेगी। तुम जागोगे, जीवन का दर्शन होगा, जीवन का प्रादुर्भाव होगा, जीवन प्रकट होगा, जीवन का उद्घाटन होगा। भीतर की राह पर एकमात्र हृदय अपना केंद्र बना लेना। हृदय गुहा की दीवारों तक नहीं रहना, हृदय गुहा की दीवारें हैं मन बुद्धि। इन दीवारों से पार होकर के तुम हृदय गुहा में, उस भीतर की गुफा में उतरना, जहां जीवन ज्योति जगमगाती है, जिस तक पहुंचने के लिए कुछ करना नहीं, जिसकी समृद्धि में, जिसकी रिमेम्बरेंस में उतरने के लिए कुछ करना नहीं, कोई प्रयास, कोई यत्न, कोई चेष्टा नहीं। तुम अपने होने में स्थित रहना, तुम केवल डूबते चले जाना अपने हृदय सागर में, तुम केवल जागे रहना मन बुद्धि के खेल के सामने। सब रूपांतरित होता चला जाता है भीतर, सारा केमिकल, सारी केमिस्ट्री अपने आप ट्रांसफॉर्म होती चली जाती है। तुझे कुछ करना नहीं, कछु अवलंबन नहीं लेना, अलंबन नहीं लेना, कोई माध्यम नहीं बिठाना, सीधा डायरेक्टली तुम अपने केंद्र से जुड़ने की एक बात प्यास प्राथमिकता अंतर्मुखता में उतर जाने की एकमात्र प्यास, अपने बैलेंस को, अपने संतुलन को उपलब्ध होने के लिए भीतर का होश, भीतर का जागरण, मन से हटकर के मन की गति को देखने का शौर्य, ये साहस, ये हिम्मत, ये एडवेंचर पिरो लेना जीवन की सुई में। मन को नहीं हटाना, मन को रोकना नहीं, मन को अवलंबन नहीं देना, कोई शब्द नहीं देना, कोई माध्यम नहीं देना, कोई किसी प्रकार की क्रिया प्रदान नहीं करना,
तुम मन से स्वयं हटते जाना, तुम स्वयं हटना, अपने स्वभाव में स्थित भीतर रहना। मन बाहर कितना भी भटके, कितना भी बटे, कितना भी बिखरे, तुम आनंदित होना, ये उसका स्वभाव है। तनिक मात्र बेचैन नहीं होना, निराश नहीं होना, तुम जागना। मन के साथ कहीं भागना नहीं, मन के साथ कहीं जाना नहीं, मन से हट जाना, ये मेडिटेशन है। चराग इश्क जलाओ के भीतर अंधेरा है, मन के पर्दे उठाओ, नकाब रुख से उठाओ के भीतर अंधेरा है। इन अंधेरों को रूपांतरित कर लेना प्रकाश में, यही तेरी एकमात्र क्रांति है। अद्भुत अद्वितीय एडवेंचर है, यही एकमात्र तेरी उपलब्धि है। जब तक मन बना है तब तक क्रियाएं चलती रहेंगी, तब तक उसके तल पर कुछ ना कुछ होता रहेगा, तब तक लहरें तरंगे उठती रहेंगी सागर के ऊपरी स्तर पर। परंतु जो जो गहरे उतरोगे, ये सब लहरें तरंगों के शोरों गुल अपने आप शांत होते चले जाते हैं। मन की गहराई में कहीं कोई भी हलचल नहीं है, शांत स्थिर मौन मुदित अवस्था है। शब्द के खोल में शून्य का पदार्पण है, शरीर रूपी डोले में आत्मा रूपी दुल्हन का। उद्घाटन है, बाहर से नहीं भीतर देखना। जो जो शब्दों में उतरोगे शून्य होते जाओगे, जो जो इस शरीर रूपी डोले में उतरोगे तुम्हें दुल्हन के दर्शन होते जाएंगे। तुम स्वयं दुल्हा बनना, तुम कब तक बारात में बैठे रहोगे, कब तक तुम बारात में उतरे रहोगे, कब तक तुम बरातियों की तरह चलते रहोगे। तुम भीतर आत्मा रूपी दुल्हन को ब्याहने उतरना, स्वयं जागे जागे भीतर की जुगलबंदी करना, यही है शाश्वत प्रेम, यही है शाश्वत जीवन। इस प्यास में, इस दर्द में, इस विरह में डूबते चले जाना, ये नचिकेता अग्नि जलाते चले जाना। ओ गुरुवे नमः, ओ गुरुवे नमः, ओ गुरुवे नमः। मैं खाने में बैठे हैं और मैं को तरसते हैं,
स्वर्ग लोक से ऊपर उठ करके ब्रह्म लोक की महान आभा में विराजमान होकर के गढ़वाल के राजा दीवानगी का, प्रभु प्रेम का, गुरु भक्ति का आलम जगा रहे हैं। तेरे द्वार पे बैठे हैं आत्म रस को तरसते हैं, द्वार पे बैठे हैं प्रेम रस को तरसते हैं, द्वार पे बैठे हैं राम रस को तरसते हैं, खाने में बैठे हैं और मैं को तरसते हैं। जैसे ही उस बादशाह ने धुन उठाई, दोनों की आंखों से गंगा यमुना बह उठी। खुद स्वामी जी भी उस प्यासे दीवानी के कदमों पर उतर आए, उस लावल पे उतर आए, उस तर पे उतर आए, उसकी प्यास में स्वयं को डुबो दिया। मुर्शिद को भी अपनी याद आई उस पथिक जीवन की, उस प्यासे जीवन की। वो भी अपने दीवानों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर के कदम दर कदम चल पड़े दोनों। गुरु शिष्य, संत साधक, स्वामी सेवक एक ही प्यास में डूब करके एक आवाज में, एक पुकार में गा बैठे। मैं खाने में बैठे हैं और मैं को तरसते हैं, मैं खाने में बैठे हैं और मैं को तरसते हैं। विरहा के आवे से निकले हुए महान तपी, महान स्पिरिचुअल मास्टर्स, जागे पुरुष, तत्वज्ञ पुरुष, जो उस दर्द के, विरह के दर्द के आवे से निकल चुके हैं, वो दर्द के अंदर मारे हुओं की दर्द को शेयर करते चले जा रहा है, पुनः उसी दर्द में उतरते जा रहा है जिस दर्द में दीवाने उठ के पुकारता है, पतंगे बनकर के कुर्बान होता है, परवाने बनकर के जगमगा उठता है उनकी प्यास में। स्वयं को सम्मिलित करके स्वामी राम तीर्थ भी अपने प्यारे दीवाने के साथ जुड़ करके आवाज लगा बैठे। रात दिन ओ मेरे स्वामी कठोर होकर के तू चट्टान होकर के, हिमालय होकर के भले उतर, तो कितने भी दुखड़े उतार, कितने भी संकट उतार, कितने भी परीक्षाओं के दौर उतार, तो कितने भी पत्थर उतार, तो कितना भी कठोर बन बन कर मेरे को मिटाने में लगा रहो, किंतु मैं तेरा दर कदाचित नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मुझको संभावना का दीप जलता हुआ दिखाई देता है अपने जीवन का। मैं खाने में बैठे हैं और मैं को तरसते हैं, मैं खाने में बैठे हैं मैं को तरसते हैं, माहौल है फूलों का पत्थर से बरसते हैं, मैं खाने में बैठी है और मैं को तरसते हैं, मैं खाने में बैठे हैं और मैं को तरसते हैं, तेरे द्वार पे बैठे हैं
तेरी दीद को तरसते हैं, एक दीद को तरसते हैं, तेरी दीद को तरसते होशियार भी रहते हैं, दीवानों की दुनिया में होशियार भी बसते हैं, दीवानों की दुनिया में चतुर चालाक भी बसते हैं, दीवानों की दुनिया में होशियार भी बसते हैं, रखते हैं ताल्लुक भी आवाज भी कसते हैं, रखते हैं ताल्लुक भी आवाज भी कसते हैं, दीवानों की दुनिया में होशियार भी बसते हैं, दीवानों की दुनिया में होशियार भी बसते हैं। ओ यहूदा, इस भगता को चरण छू लेने दे। ओ यहूदा, ओ जुदा, जीसस कहते हैं, ईसा कहते हैं, अरे इस भक्ता दीवानी जो आई है, जिसको तू कहता है हजारों लाखों का सेंट लेकर के तेरे चरण धोने आई है, अपने गेसुओं से तेरे चरण को साफ कर रही है, ये मैं स्वीकार नहीं करता। ये हम आपके शिष्य सहन नहीं कर पाएंगे। हम आपके सेवक शिष्य दीवानी घर बार छोड़ करके आए तेरे द्वार पर, ये माहौल देखने के लिए नहीं आए। इतना महंगा सेंट इस नगर वधु ने पता नहीं किस तरह की कमाई करके, बाजार से खरीद करके, मीना बाजार से खरीद करके तेरे चरण धोने के लिए इतना महंगा सेंट लेगा लेकर के आई है, और उस सेंट से तेरे पांव धो रही है और गेसुओं से साफ कर रही है, और आप प्रेम में डूबे हुए, ध्यान में डूबे हुए उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। ये नगर वधु वेश्या है, ये चरित्रहीन नारी है, आपको शर्म नहीं आती गुरुवर? ओ क्राइस्ट, क्या आपको इतनी भी शर्म हया नहीं? आप किसको स्वीकार कर रहे हैं? अगर हजारों लाखों रुपए से खरीदा हुआ ये सेंट आपके चरणों को धोने के ही काम आएगा, तो फिर आप जो सेवा की बातें करते हैं, मानव सेवा की बातें करते हैं, ह्यूमन सर्विस की बातें करते हैं, वो कलंकित हो जाएगा। अगर ये पैसा किसी गरीब की सेवा में, किसी अनाथ की सेवा में लगता है, तो आपके ही अनुसार कितना कल्याण होता मानव जाति का। आप इसको संदेश देने की बजाय, शिक्षा देने की बजाय, इसके प्रेम में ओतप्रोत हो रहे हो, पिंगल रहे हो, आशीर्वाद दे रहे हो। आज लाखों लाखों रुपयों का सेंट लेकर के चरण धोने आए हैं, आप अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझ रहे हो गुरुदाओ? यहूदा क्या समझे किसी की प्रेम प्यास की बात को, क्या समझे उस रसायन को जो भीतर रूपांतरित होता चला जा रहा है, जो वेश्या से विराट होता जा रहा है, जो एक चरित्रहीन से चरित्रवान होता जा रहा है, जो एक गिरी गुजरी नारी को गरिमा गौरव प्रदान कर रहा है, वो भीतर की रूपांतरण की क्रांति को वो क्या जाने जो बाहर बाहर जिया है।
जीसस के पास रह कर के भी बाहर बाहर जिया है। याद रखना, स्वयं पारब्रह्म परमात्मा भी सदगुरु का रूप लेकर के तुम्हारे द्वार पर सारी उम्र रहे, पर अगर तुम्हारे भीतर का हृदय द्वार ना खुला हो तो उसके समीप रहना, उसके साथ रहना और उसका तुम्हारे साथ रहना भी दो कौड़ी का है। और अगर वो दूर भी रहता हो और तुम्हारा हृदय द्वार खुला हुआ हो प्रेम का, प्यास का, तो वो दूर रह करके भी तेरे भीतर समा जाता है, तेरे भीतर रहता है। अपना हृदय द्वार बंद करके मत रहना मुर्शिदों के पास, अपनी मन बुद्धि से मत रहना उनके पास, अपना हृदय द्वार खोल करके रहना उनके पास। कृत कृत्य हो जाओगी, सारोबोर तरोबोर होकर के जियोगी, आबाद हो जाओगी, तुम रूपांतरित अवस्था में डूब करके एक निराले क्रांति रूप हो जाओगी, आबाद हो जाओगी, चारों दिशाओं में लहलहा उठोगी। यहूदा हृदय द्वार खोल करके मेरे साथ जी ले, हृदय द्वार खोल करके रह ले, हो जाएगी सेवा, मैंने बहुत किया है, हो जाएगी सेवा, तूने इसकी सेवा नहीं देखी जो चरण धोती धोती एक महान देवी हो रही है, जो चरण धोती धोती रूपांतरित हो रही है। ओह चतुर सियाणे यहूदा, उसकी जिंदगी के अंदर घटित रूपांतरण की क्रांति तो देख। जीवन एक अंधेरी नगरी से उठकर के प्रकाशमयी दिशा की ओर बह गया है, जिसका एक थोड़े से प्रेम की रीत निभाते ही वो गिरी गुजरी नारी देवत्व रूप हो गई, देवी हो गई। माहौल है फूलों का, पत्थर से बरसते हैं, पैखाने में बैठी है तेरी मैं को तरसते हैं, पैखाने में बैठी है। गढ़वाल के बादशाह, क्या गजब की भीतर की हृदय की महान प्यास को, जगमगाती प्यास को अपने शब्दों में पिरो करके अपने मुर्शिद के द्वार पर उतारता है। तुम रोशन मोनारा हो, तुम जानो तो सब जानो, तुम रोशन मोनारा हो, बादशाह के भीतर क्या ज्योत जगा दी, क्या दीप जलाया कि सारा गढ़वाल स्वर्ग लोक हो गया, सारा गढ़वाल रोशन मोनारा हो गया। तुम रोशन मोनारा हो मेरे स्वामी, तुम रोशन मोनारा हो, तुम जानो तो सब जानो, तुम रोशन मोनारा हो, तुम जानो तो सब जानो। तुम जानो मेरे स्वामी, तुम जानत हो, केवल तुम जानत हो गोपाल, तुम जानत हो कि यह रात दिन किस तरह से कटता है, रात दिन किस तरह बैठे बैठे तेरे इंतजार में, तेरी पुकार में, तेरी प्यास में, दो नैन कटोरे छलकते छलकते तेरी इंतजार में डूबे हुए हैं, रात दिन किस तरह कटते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमे, ये दिन रात कैसे कटते हैं तेरे बिना,
महलों में दिल नहीं लगता है ओ मुर्शिद तेरा बिना, नींद नहीं आती तेरे बिना, मैं रात रात तड़पता तेरे बिना, जिए जा रहा हूं इसलिए रात को आया तेरे द्वार पर अपना दुखड़ा सुनाने। तुम रोशन मोनारा हो, तुम जानो तो सब जानो, तुम रोशन मोनारा हो, तुम रोशन मोनारा हो, तुम जानो तो सब जानो, सांपों की तरह नागों की तरह लम्हे तन्हाई में डसते हैं, नागों की तरह लम्हे तन्हाई में डसते हैं, नागों की तरह लम्हे तन्हाई में डसते हैं। जैसे ही आवाज दर्द की उठी उस बादशाह के भीतर से, तो स्वामी राम भी रो पड़े। उनको भी अपनी याद विरहा आगन की आई। जब सारी सारी रात रो रो करके वो अपना पिलो अपना तकिया गीला करते थे, रो रो करके सारी सारी रात गुजारते थे विरहा में ही अपने प्रभु की। सुबह उठ करके सुशीला पत्नी जब आती बिस्तरा उठाने के लिए तो क्या देखती है, साफ करने के लिए आती तो हर रोज तकिया गीला है। क्या पानी उड़ेलते हो, गर्मी है क्या, पानी तकिए पर लेटे लेटे पीते हो सारा पानी गिर जाता है। सुशीला तू क्या जाने। उस दिन के बाद सुशीला सारी सारी रात उसी के साथ रहती है, और रहती 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 सुशीला भी गमगीन हो गई, रहती रहती वह भी दीवानी हो गई, वह भी पति के साथ रहती रहती प्रभु की मस्तानी हो गई। दोनों रात दिन रोते हैं चिल्लाते हैं पर मालिक मुर्शिद गली प्यास जगाते हैं। स्वामी राम को याद आए, दोनों गुरु शिष्य डूब गए उस महान तन्हाइयों की दुनिया में। नागों की तरह लम्हे तन्हाई में डसते हैं, नागों की तरह लम्हे तन्हाई में डसते हैं, माहौल है फूलों का पत्थर से बरसते हैं, मैं खाने में बैठे हैं और मैं को तरसते हैं, मैं खाने में बैठे हैं और मैं को तरसते हैं, समंदर ने मुझे प्यासा ही रखा, मैं प्यासा था परंतु इतना नहीं, मैं प्यासा था परंतु इतना नहीं, तुम रोशन मोनारा हो, तुम जानो तो सब जानो, तुम रोशन मोनारा हो, तुम जानो तो सब जानो, नागों की तरह लम्हे तन्हाई में बसते हैं, नागों की तरह लम्हे तन्हाई में बसते हैं।